हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एंट्रेंस गुरु। सो वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम विच इज स्टार्टेड बिटवीन 2014 एंड 16। सो वी प्रोसीड टू आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट द रेलवे ट्रेवल इंश्योरेंस। सो दिस स्कीम इज लॉन्च्ड ऑन 1 सितंबर 2016 by Railway Minister Mr. Suresh Prabhu. Under this scheme, can a person buy a premium of 92 paisa while booking a ticket to get an insurance up to 10 lakh. So basically, any person which is travel via train could book the ticket, and he can pay only extra 92 paisa, which covers insurance up to rupees 10 lakh. तो यह स्कीम 1 सितंबर 2016 को लॉन्च हुई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो रेल टिकट बुक करता है 92 पैसे अतिरिक्त देके 10 लाख का इंश्योरेंस कवर पा सकता है। अब ये स्कीम किस किस को अवेलेबल होगी या फिर हु गेट्स बेनिफिट्स फ्रॉम दिस स्कीम। सो दिस स्कीम इज अवेल टू द ऑल पैसेंजर्स। यह स्कीम सभी पैसेंजर्स के लिए होगी छोड़ के किसको। दिस स्कीम इज अवेल टू द ऑल पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग दोस ट्रेवलिंग बाय सुपर ब्रांड ट्रेन्स वाइल बुकिंग ऑनलाइन इज रिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास। जो लोग सुपर ब्रांड ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उन्हें छोड़ के सबको ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। अंडर दिस स्कीम कवर नॉट एप्लीकेबल चिल्ड्रंस अप टू 5 years of age and foreign citizens। जो बच्चे हैं 5 साल तक के उनको और जो विदेशी नागरिक हैं उनको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज दिस स्कीम अवेलेबल फॉर ऑल होल्डिंग टिकट्स सच एज कन्फर्म्ड RAC एंड वेट लिस्टेड। जिन भी लोगों ने टिकट ले रखा है कंफर्म्ड हो या RAC हो या वेट लिस्टेड हो सबको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। डेट इज 92 पैसा में 10 लाख का इंश्योरेंस कवर है। इस स्कीम के तहत इंश्योरेंस में अगर कुछ भी मिस हैपन होती है इफ़ एनी ऑफ द मिस हैपन्स हैज बीन ऑकर्ड देन रुपीज 10 लाख हैज बीन पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इन द केस ऑफ डेथ 7.5 lakh, in case of partial disability and 2 lakh for hospitalization expenses and 10,000 for transportation of mortal remains from a place of train accident or where an unwanted incident happened। इसके तहत insurance company, बीमा company देगी 10 लाख रुपये यदि उसकी मृत्यु हो जाती है। 7.5 लाख रुपये अगर उसे पार्शियल डिसेबिलिटी यानी कि अपंग हो जाता है और 2 लाख रुपये उसे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए या फिर और 10,000 रुपये उसको जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए दिए जाएंगे। सो दिस स्कीम इज़ वेरी यूजफुल। सो now we are proceed to our next scheme, that is clean my coach। this scheme is also related to the Indian Railway। under this scheme is available in 1297 trains। slogan is swachh rail swachh bharat। under this scheme if the train passenger find any cleaning requirement in their coach they can request the staff through website or by sending SMS। so this scheme is very useful by seeing the unclearance or cleaning requirements under the coaches of trains। is scheme ke तहत clean my coach scheme ke तहत yadi किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके कोच के अंदर कुछ भी गंदगी है या क्लीनिंग की जरूरत है तो इसके लिए वह रिक्वेस्ट कर सकता है रेलवे स्टाफ को वेबसाइट के थ्रू या मैसेज के थ्रू। सो अवर नेक्स्ट
topic is Setu Bharatam project. So this project has launched on 3rd March 2016. So, and its objective to free all national highways from railway level crossings, renovate the old bridges on national highways by 2019. And this scheme is an investment of 50,000 crore to build bridges for safe and seamless travel on national highways, 200 road over or road under bridges, 1500 bridges will be widened, rehabilitated or replaced. So Setu Bharatam project जो कि 3 मार्च 2016 को लॉन्च हुआ है, इसके तहत जितने भी नेशनल हाईवेज हैं इंडिया के अंदर, उन सबको रेलवे लेवल क्रॉसिंग से फ्री बनाना इसका ऑब्जेक्टिव है। और जो भी पुराने या फिर नेशनल जो भी पुराने पुल या फिर नेशनल हाईवेज हैं उनको 2019 तक फिर से रेनोवेट करना, रिपेयरिंग करना, ये सब काम इसका ऑब्जेक्टिव है सेतु भारतम प्रोजेक्ट। और इसके लिए जो सेंटर ने इन्वेस्टमेंट करी है वो 50,000 करोड़ रुपीस की करी है, जिसके अंदर की पुल बनाए जाएंगे और सुरक्षित चलने के लिए नेशनल हाईवेज पे बढ़ाए जाएंगे, और जिसके तहत 208 रोड ओवर और रोड अंडर ब्रिजेस बनाए जाएंगे और 1500 ब्रिजेस यानी कि 1500 पुलों को बनाया जाएगा या फिर रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा या फिर बदला जाएगा। सो सेतु भारतम प्रोजेक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्कीम। सो आवर नेक्स्ट स्कीम इज पहल स्कीम। सो व्हाट इज पहल स्कीम? दिस स्कीम इज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 2015। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? टू सेंड एलपीजी सब्सिडी डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द कंज्यूमर्स। इसके तहत एलपीजी सब्सिडी डायरेक्टली कंज्यूमर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रावधान किया गया है। सो नेक्स्ट स्कीम इज NSTSS एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म? नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। अंडर दिस स्कीम to identify sporting talent among the students in age group of 18 to 12 years implemented by SAIN, that is Sports Authority of India. And this scheme is launched on 20 February 2015. NSTSS यानी कि National Sports Talent Search Scheme, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है कि ये स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट को फाइंड करने के लिए कोई स्कीम होगी। सो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 20 फरवरी 2015 को, और इसका जो उद्देश्य है वह यही है कि पहचान हो सके स्टूडेंट्स में जो कि 8 से 12 साल की उम्र में हैं, उनके स्पोर्टिंग टैलेंट को बढ़ावा मिल सके। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है। और ये स्कीम इंप्लीमेंट करी गई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। एंड आवर टुडेज लास्ट स्कीम इज विकल्प स्कीम। सो विकल्प इज फर्स्टली लॉन्च बाय रेलवे मिनिस्टर मिस्टर सुरेश प्रभु, एंड दिस स्कीम लॉन्च ऑन 1 नवंबर 2015। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर कन्फर्म एकोमोडेशन इन नेक्स्ट ऑल्टरनेट ट्रेन फॉर वेट लिस्टेड पैसेंजर्स अवेलेबल ओनली फॉर दोज हु बुक टिकट ऑनलाइन फॉर 6 मंथ्स। ऑफर विल लिमिटेड टू मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग ऑन दिल्ली लखनऊ एंड दिल्ली जम्मू सेक्टर। सो विकल्प स्कीम जो कि 1 नवंबर 2015 को लॉन्च हुई है, इसका उद्देश्य है कि यदि आपको किसी ट्रेन में कंफर्म एकोमोडेशन नहीं मिल पाता है या फिर कंफर्म रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है और आप वेट लिस्टेड हैं और आपने टिकट अगर ऑनलाइन बुक करा हुआ है, तो आपको उस ट्रेन में ना देके किसी और ट्रेन में जिसमें कि उपलब्ध सीट है उसके अंदर आपको कंफर्म रिजर्वेशन मिल जाएगा। परंतु इस स्कीम का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो पाएगा जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक करा है 6 महीने के अंदर, ठीक है। और यह ऑफर लिमिटेड है
दिल्ली लखनऊ एंड दिल्ली जम्मू सेक्टर्स की रेलवे के लिए. सो आई होप यू ऑल लाइक अवर दिस सेशन. सो प्लीज़ इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड वी विल बैक विद सम मोर स्कीम्स इन अवर नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंट्रेंस गुरु. बी इन टच विद अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू एंट्रेंस गुरु और फॉलो अस एट फेसबुक. और यू कैन ऑल्सो चूज अवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन @SSCIndia1993 at Facebook. Or you can also follow us on Twitter, that is Entrance Guru 1. Or please subscribe us at YouTube. And thank you and keep watching and touch with us.